रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ऐसी कॉलेज लाइफ जीती थी भयू महाराज की पत्नी आयुषी। हॉस्टल वालों ने बताई कई नई बातें इंदौर। भयू महाराज की खुदकुशी के बाद से भवनवर कुआं क्षेत्र की इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित परम भवन हॉस्टल भी चर्चा में है, जहां शादी के कुछ माह पूर्व उनकी पत्नी आयुषी रहने पहुंची थी। हॉस्टल छोड़ने के कुछ दिन बाद संचालक व आसपास के लोगों ने आयुषी की भयू महाराज से शादी की खबर सुनी तो वे चौंक गए थे। हॉस्टल संचालक सुनील जैन ने पत्रकार से चर्चा में बताया, आयुषी वर्ष 2016 नवंबर में हॉस्टल में रहने आई थी। इसके पूर्व देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला कैंपस स्थित हॉस्टल में रही। आयुषी ने हॉस्टल का किराएदारी फॉर्म भरा था, प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने वाली वेदांत क्लास से इसका नाम भी लिखा। पीठमपुर स्थित फार्मा कंपनी में नौकरी करने वाली युवती उनकी रूममेट रही। दोनों से 4000 रुपए प्रति माह किराया लेते थे। कोचिंग क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाती आयुषी सरल स्वभाव की रही। सुबह 9 बजे अपनी ग्रे रंग की एक्टिवा से भोला राम उस्ताद मार्ग स्थित एक कोचिंग क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाती। वहां से आने के बाद शाम करीब 5:30 से 6:30 तक बाहर जाती। वे कभी हॉस्टल देरी से नहीं पहुंची। वे हॉस्टल में 3 माह 20 दिन रही। मार्च में अपने घर शिवपुरी चली गई। वहां से उन्हें कॉल किया, वे अब हॉस्टल में आगे नहीं रहेंगी, किसी और लड़की को रूम दिया जाए, इंदौर पहुंचने पर किराया चुका देंगी। इसके बाद आयुषी 21 मार्च को हॉस्टल पहुंची। जैन ने बताया, वे उनकी मां को 20 दिन का किराया चुका गई थी। विवेक पर साधी चुप्पी आयुषी हॉस्टल खाली करने पहुंची, तो तब शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। अप्रैल 2017 को भयू महाराज से शादी संबंधित खबर पेपर में छपी तो वे यकीन नहीं कर पाए। आयुषी के कॉलेज समय से किसी विवेक नामक युवक से गहरी दोस्ती की बात सामने आ चुकी है। हालांकि जैन ने हॉस्टल में रहते किसी विवेक से संपर्क पर चुप्पी साध ली।